जिस समय हमें सर्प दिखाई दे रहा है उस समय हमें रज्जु ही दिखाई दे रहा है, रज्जु से भिन्न का तो सर्प नहीं दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार जिस समय जागतिक नाम रूप हमें दिखाई दे रहा है उस समय जो हमें क्या है वो सच्चिदानंद ही दिखाई दे रहा है, उससे अलग कर कुछ नहीं दिखाई दे सकता। ये जो व्यक्ति समझ जाता है, अरे ये सारा कल्पित है, अधिष्ठान सत्य है, इसलिए बोलते हैं एवं जो वेद तत्व नत्व होता परस नहीं अवरोक्ष रूप से जिस व्यक्ति ने इसको अनुभव कर लिया कल्पयेत स्वाभिषंधित बिना किसी डर के वो कल्पना करे उसको कोई फर्क नहीं। अब देखिए क्या इसके अंदर छुपा हुआ रस हमारे बोध करना चाहिए और भगवान भाष्यकार में तब उन लोगों ने तो जगत को मिथ्या सृष्टि हुई नहीं ऐसे समझ लिया और समझने के बाद फिर ग्रंथ किसके लिए लिखा। जब आपने आपको ये लिखना है सृष्टि हुई नहीं तो ग्रंथ किसके लिए लिखा है। कल्पयेत स्वाभिकम्पित चाहे उनका जो है क्या हुआ कि जीव रूप में कल्पना जो है और अपन तो जानते हैं कि पारमार्थिक ये बंधन नहीं है पर तो नहीं समझने के कारण अपने को बंधन है ऐसा मानते हैं कि समझाने के लिए जो है इस प्रकार से कल्पना का जो क्योंकि भगवान भाष्यकार आकर्षण का जन्म है विवेक चूड़ामणि में ऐसा लिखते हो वह गत केनो का नित पुत्र दीन विदम जगत मतलब अपने समाधि अवस्था में क्या बोल रहे हैं वह गत जगत नहीं दिखा जाते केनो का नित इसके द्वारा हटाया गया पुत्र ऋणाविदम जगत कहाँ की जगत चला अच्छा बात थी झूठ तो नहीं लिखेगी जरूर उनका जल रूप में आया होगा कहाँ लिखा है में 483 हुआ शुरू में देखिए वहाँ पे लिखे और बताओ के नी पुत्र ऋणाविदम जगत अधुने को मैं अदृष्ट हूँ नष्ट के मत होता थोड़ी देर पहले दिखाई दे रहा है मतलब इस समय संबंधी अवस्था में आपको तत्व साक्षर का होता है तो जगत के ऊपर कुछ पता ही नहीं है कौन ले गया कहाँ चला गया इस बोलते हैं यानी कि उनका अनुभव हुआ कि जगत नहीं अधिष्ठान एक मंत्र है फिर भी सब क्या दिखा कल्पये स्वाभिषंधित कल्पना करने तो ये जीव जो दिखाई पड़ रहा है कल्पना की राज्य में तो उसको मान्यता देगा कि उसका दिल तो जानते हैं क्योंकि वेद की यथार्थ अर्थ को समझने के लिए जब तक आत्मदृष्टि नहीं आता तब तक वेद की यथार्थ अर्थ समझ नहीं आता वेद की तात्पर्य दुष्ट कर्म का जी लोग क्या बोलते हैं कर्म में तात्पर्य उपासना करते हैं लोग उपासना में तात्पर्य क्योंकि जब आप उपनिषद भाग में पहुँचते हैं तो जब फिर कर्मकांड लोग उपनिषद भाग को अर्थवाद मान लेते हैं अर्थवाद मान लेते हैं परंतु उपनिषद भाग कर्मकांड को अर्थवाद नहीं बोला कर्मकांड को उपयोगिता है क्यों आप धर्माचरण करने से ही निष्काम भाव से धर्माचरण करने का फल ही अंतर कर्म शुद्ध होकर के वेदांत में रुचि आत्मनिष्ठ एक प्रक्रिया है इसलिए आप बोलते हैं अपृथक भावे मतलब कि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सभी के साथ अभिन्न रूप में वो आत्मा दिखाई दे रहा है यहाँ पे अपृथक भावे एश लक्षित अपृथक एवं और अपने आप पृथक रहते हुए भी उससे संस्पर्श नहीं होते हुए भी उसके साथ मिलकर के वहीं पे विद्यमान है पर उनके संस्पर्श एवं जो वेद तत्व जो इस चुका से इस तत्व को समझ गया कल्पना करने में उसको कुछ भी डर के कल्पना नहीं करना चाहिए निडर होकर के कल्पना करें कोई जानते हैं बल्कि कौन से प्रकार की कल्पना करने को किसी भी प्रकार की कल्पना करें क्या फर्क पड़ता है कल्पना में आप अच्छा कल्पना करो बुरा कल्पना करो कल्पना नहीं तो है हमारी कल्पना सत्य तो होगा आप कल्पना आपको क्या बोल रहे हैं आपको किस अवस्था में बोल रहे हैं कल्पना जिस समय हमको ये पता लग जाता है कुछ भी वस्तु जो है हमसे भिन्न होकर के नहीं दिखाई देगा बोला ना यहाँ पे एते अपृथक भावे ऐसा लक्षित ये देखिए बोलो अब बीच में कह रहे पृथक एवं उससे असंस्पृष्ट रहते हुए भगवद गीता नवम अध्याय में वो क्या बोलते हैं न हम तेषु अवस्थित वहाँ पे सारा मुझ में है पर मैं उसमें नहीं नवम अध्याय के चौथा अध्याय पांचवा श्लोक देखो भूतानी
देखो कल्पना भगवान की अवशब्द तो कल्पना है उनका जो यहाँ पे हुए है भगवान कितने एक एक हुई हो गया ये तो राज विद्या राज भी यही है वो रस ठीक है। देखिए और भगवान जी कुछ क्या बोल कि मत स्थान सर्वभूता ने न चौंतीस अवस्थित समस्त भूत मतलब जो भी कुछ हम कल्पना किया है अधिष्ठान को छोड़कर कुछ भी नहीं दिखाई दे सकते परंतु अधिष्ठान सर्वतः न तो मत स्थानीय भूता है मत्स्य में लोगों में वो भूत मुझ में नहीं है मुझसे बिना भूत नहीं है पर वो भूत मुझ में नहीं है क्या अद्भुत बात क्या अद्भुत रहस्य ये राजविद्यम सत्य है ये वही तम सत्य इस तत्व को जो समझ गया ना वो कुछ भी कल्पना करे सृष्टि करे सुंदर करे कुछ भी करे उसको नहीं करे इसको देखिए कितना सुंदर शब्द समझते हैं ठीक है। विषय वस्तु को समझना है कि क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पर लगेगा क्या ये क्या बोलना अभी तो बोलते तो कुछ नहीं अपने कर्म में बिल्कुल आत्मा को ऊपर सब कुछ दिखाई देगा फिर भी आत्मा सर्वथा असंतुष्ट है आकाश को ऊपर सारा चीज दिखाई देगा किंतु आकाश सर्वथा संतुष्ट होगा कोई तैयार हुआ कोई जल गया कोई मर गया कोई बाढ़ आया कोई बारिश हुई कोई जल छः साल से वहाँ पे आग जला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लगे कुछ ही नहीं ना तो क्या आकाश होगा आकाश जल गया क्या इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं देखिए एते ही प्राणादेवी ठीक है ना भाष्य एते प्राणादेवी आत्मन अपृथक भाव ही अपृथक भूते ही ईशो आत्मा रज्जु इव सर्पादि विकल्पना रूपे पृथक एव इति लक्षित अभिलक्षित निश्चित मूले इति है ना ऐसा पृथक पृथक है ऐसा एक ही मतलब कि जो भी नाम रूपात्मक जगत एक सभी के माध्यम से प्राणाकांड शुरू किया था कल्पना प्राण से हमारी सृष्टि को प्राणादेवी प्राण से लेकर स्थिति अंतर आत्मा अपृथक भाव ही आत्मा से अभिन्न रूप में ही दिखाई देता है रज्जु के ऊपर जो सर्प दिखाई पड़ता है रज्जु से अभिन्न रूप में ही दिखाई पड़ता है आत्मा अपृथक भाव ही मतलब अपृथक भूत ही अभिन्न रूप में ही एष आत्मा ये आत्मा ने जिस प्रकार क्या होता है अधिष्ठान रूप में आत्मा ही सारा रूप में कल्पना हुआ जितना सारा हमने कल्पना किया वो क्या है वो आत्मा का ही रूप जितना सारे मृत्यु का की बना हुआ मतलब बर्तन है उसका मृत्यु का ही रूप है जितने सारे सुवर्ण से बना हुआ अलंकार सुवर्ण का ही रूप है वो परिणाम बात को लेकर के बोल रहा हूँ और कुछ समझने के लिए कार्य करना अभिन्नता यहाँ भी जो भी कुछ दिखाई देगा वो आत्मा का ही रूप है ये विवर्त माना क्योंकि आत्मा में परिणत होने का क्वालिटी नहीं वो गुण नहीं हुआ प्रतिष्ठित क्यों दिखाई दे रहा है क्योंकि हमें जो हम प्रतिष्ठा के ज्ञान नहीं बस इतना इसलिए दिखाई दे इसलिए बोलते हैं एते प्राणादेवे आत्मनो अपृथक भावे अपृथक भूते ईश आत्मा ये आत्मा लक्षित ये आत्मा लक्षित दृष्टान्त बीच में दिया रज्जु इव जैसा रज्जु दिखाई पड़ता है किस रूप में सर्पादि सर्प भूचित्र जलधर माला गंड इस रूप में दिखा ये विकल्पना रूप ही पृथक एव है ना वहाँ पे पृथक रहते हुए ही अथवा ये पृथक पृथक रूप में ही है ऐसा करके अनेक आत्मा मान लेते हैं अलग अलग पिंड दिखाई दे रहा है आत्मा भी माने बोले ये पृथक एवं का दो प्रकार से मतलब अपने आप सर्वथा असंग रहते हुए ये विद्वान दृष्टि है और अज्ञान का दृष्टि बोलो क्या होगा ये सारा जगत पृथक पृथक है ठीक है। यहाँ पे दो प्रकार से देखा अपनी तरफ से समझ करके देखिए पृथक एवं इति लक्षित अभिलक्षित निश्चित किसके द्वारा मूल है अविवेक क्या देखता है ये सब अलग 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 विवेकी व्यक्ति क्या देखता है ये सब एक ही परंतु एक होते हुए भी वो असंग एक ही होते इसी को समझाने के लिए देखिए बोलता है विवेकी नाम तू मूढ़ लोग तो ऐसा देखते हैं परंतु विवेकी व्यक्ति क्या देखता है रज्ज्वाम इव कल्पिता सर्पादय रज्जु के ऊपर जिस प्रकार कल्पित सर्प आदि है न आत्मव्यतिरेक एवं प्रणाम ठीक उसी प्रकार से आत्मा से भिन्न करके हिरण्यगर्भ से लेकर के चतुर्थ भुवन आत्मा से भिन्न करके कुछ नहीं सब आत्मा ही स्वरूप में दिखाई ठीक है। देख बीज हिंदू पंक्ति थोड़ा सा अन्वय कर समझने के लिए विवेकी नाम तो परंतु विवेकी व्यक्तियों का तो रज्जाम इव कल्पित है इस प्रकार रज्जु में सर्पादि कल्पित होता है इसी प्रकार से आत्मनि आत्मव्यतिरेक न प्राणादय न शक्ति आत्मा से भिन्न करके प्राणादि कुछ भी नहीं ये आत्मा से भिन्न करके नहीं है इसीलिए ही आत्मा ही सत्य वस्तु है इसलिए जगत सत्य रूप में देखता है
आत्मा आनंद स्वरूप है, जगत में आनंद भी दिखता, मतलब आनंद इस पर मिलेगा, ऐसा भ्रांति भी होती है। जिस अधिष्ठान के ऊपर हमको वस्तु दिखाई पड़ता है तो अधिष्ठान के धर्म कुछ वहाँ पर दिखाई देगा। अधिष्ठान के अंदर कोई अलग धर्म नहीं है, क्या है उसमें? एक है धर्म है, एक मैं धर्म है, एक अस्तित्व करता हूँ। तो इसलिए सारे वस्तु ध्यान का भी हम कंट्रोल किया है, वहाँ पर मैं पर आता है और क्या होता है कि हूँ हूँ, और क्या है आनंद भी वहाँ पे है। इसलिए जागतिक वस्तु शब्द है और वो आनंद है, वो प्रतिदि होगी आनंद वहाँ पे नहीं, आनंद अधिष्ठान रूप में बैठा हुआ है, आनंद वहाँ पे विषय रूप में अभिव्यक्त होता है जैसे, परंतु वो परिच्छेद रूप पृथक के वो देखते हैं भक्त का, तो आनंद रूप में करते हैं आनंद जो है परिच्छेदता में दूर है। जिस समय अधिष्ठान रूप में आनंद को देख लेगा, क्योंकि अधिष्ठान का आनंद ही ये नाम रूप में आनंद रूप में, ये मेरे लिए खुश आनंददायक है, ये मेरे लिए आनंददायक, क्योंकि कहाँ से आया हमारा स्वरूप आनंद है, इसका अंदर सभी व्यक्त होगा। परंतु हम इसको नहीं समझ रहे हैं, ये आनंददायक ही सोचता हूँ, परंतु क्या हो जाएगा, ये नाम रूप बिगड़ते ही मेरे अंदर दुख हो जाएगा। जो व्यक्ति इसको समझ गया कि अरे ये तो हमारे स्वरूप है, शंकर कृपा कल्पना करे तो है, उसका कोई गर्व नहीं होता, कल्पना से बांधते नहीं है, हम अपनी कल्पना से बांध जाते हैं, परंतु वो कल्पना से बंधन नहीं है। इसलिए बोलते हैं विवेक नाम तो रज्जामिव कल्पिता सर्वादय न आत्मव्यतिरेक न प्राणादि, प्रकार रज्जु से सर्प कभी भिन्न नहीं है। कब अभी कब आप कभी भी चाहे रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प को मैं रज्जु से अलग करके देखूँ, देख पाएंगे नहीं पाएंगे। इसी प्रकार यदि कोई चाहे कि जगत को मैं आत्मा से अलग करके देखूँ, नहीं देख, कभी भी नहीं देखूँ, किंतु आत्मा सर्वथा असंभव है। इसीलिए दुनिया में प्राणादिति अभिप्राय, आपको कैसे पता लगा, ये हम अपना अनुभव बोलने से लोग मानेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, श्रुति बात। इसलिए हमें बोलते हैं इदम सर्वम जदय आत्मा इति श्रुते है, ठीक है ना। कि देखिए बृहदारण्यक उपनिषद का दो जगह पे आया हुआ है, यही चीज इदम सूर्यम दो चार छः, मतलब मैत्री ब्राह्मण, मैत्री ब्राह्मण कितना बार आया बृहदारण्यक में, दो बार, चार पाँच, चार पाँच सात, मैत्री बार दो बार आए हुआ, दोनों जगह भी वाक्य इदम सर्वम जदय आत्मा, आत्मा बारे मैत्री दृष्ट श्रोतव्य मंतव्य निर्देश आत्मनिया विज्ञात सर्वम आत्मा, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब आत्मा, आपसे भिन्न कुछ नहीं। एवं आत्मा एवं आत्म व्यतिरेक नाम असत्यम रज्जु सर्ववत् आत्मनि कल्पितानाम आत्मानं च केवलं निर्विकल्पं जो वेद तत्तेन सुदित युक्तितश्च सो अविशंकित वेदार्थं विभागत कल्पये कल्पयति इति अर्थ इदम एवं परम वाक्यम अदो अंध परम इति। इस प्रकार वेद वाक्य की कल्पना भी आसान करता है, लेकिन क्या बोलते हैं एवं आत्म व्यतिरेक न सत्यम, आत्मा से भिन्न करके संसार में कोई वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं होती। इसलिए आत्म व्यतिरेक न सत्यम, आत्मा से भिन्न करके ये असत हो जाता है, जैसे रज्जु से भिन्न करके सर्प का सत्ता ही नहीं रहता। इसलिए बोलते हैं रज्जु सर्ववत् रज्जु में कल्पित सर्प के समान आत्मा में सारा जगत कल्पित है, इसीलिए आत्मा में जब सारा जगत कल्पित है इसलिए आत्मा से भिन्न करके इसका कोई सत्ता नहीं। इसलिए बोलता है कल्पितानाम आत्मनम च केवलम, यदि कल्पित वस्तु का स्वरूप क्या है, अधिष्ठानी होता है निर्विकल्प, परंतु वो वस्तु जिसको उन्होंने कल्पना किया, इतना सारा विकल्प किया कि वास्तविक और निर्विकल्प है, वास्तविक उसको बल्कि कल्पना होना संभव ही नहीं। इसलिए बोलते कल्पितानाम आत्मनम च केवलम नित, परंतु क्या हो गया वो निर्विशेष है, वो मतलब कोई विकल्प से नहीं जाए, पर उसी के ऊपर सारा विशेष विकल्प की कल्पना होती है। जो वेद जो व्यक्ति इस प्रकार जानते हैं, किस प्रकार तत्न मतलब इस वेद की मतलब उसका अंदर वास्तविक है, परोक्ष रूप से जान लिया उसको, कहाँ से जाना श्रुतित युक्तित, श्रुति वाक्य से पहला श्रुति वाक्य, उसके बाद मनन ने जितना के बाद पहले श्रवण युक्ति से क्या बोलेगा मनन ने जितना, इससे जो जान लिया सह वो व्यक्ति अविशंकित, वो व्यक्ति अविशंकित बिना किसी शंका के, बिना किसी हेजिटेशन अथवा डाउट ये नहीं रहते, वेदार्थम विभाग वेद की जो अभिप्रेत अर्थ तात्पर्य का अर्थ को
विभागतम अलग करके अलग विगत मतलब तात्पर्य निर्णय क्षय लिंग के माध्यम से इसका तात्पर्य को समझ लेना। और संपूर्ण वेद जो किसको प्रकाश करना चाहते हैं सुदेवा कैसा है जहाँ धूम प्रचारी जो जिसको प्रकाश करते हैं सर्वे वेद जन्मदमानंद समस्त वेद इसके बाद कहते हैं कर्मकांड में भी इस आत्मा के बारे में कथन करते हैं। किसके बारे में आत्मा को औपाधिक आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोप करके कथन करते हैं ये तो आत्मा समझ में नहीं आएगा। उपासना में भी अहम उपासना में आपको उस कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्म के माध्यम से हटा करके मन को एकाग्र करने के अहम उपासना के लिए बोला किस आपने किस प्रकार से चिंतन करो तब आत्मा की यथार्थ स्वरूप विधान में आकर अभिव्यक्त होगा। एक श्रुति कभी कैसे बोलते हैं यहाँ पे श्रुति का युक्ति श्रुति से युक्ति से जो ऐसा जानते हैं जब वेद स अभिशंकित अभिशंकित मतलब कोई भी शंका रहित होकर के का विशेषण है वो शंका रहित व्यक्ति वेदार्थ वेद की तात्पर्यगत अर्थ विभागत इसमें इसका विभाग मतलब एक कर्मकांड है ये उपासना कांड है ये ज्ञान कांड है इस प्रकार से उसका अलग अलग तात्पर्य को समझ जाता है। कल्पयति देखो आपने बोलते क्या कल्प करता है एकम एवं परम वाक्य ये वाक्य जो है कर्म का वाक्य भोजन है ये वाक्य उपासना का भोजन है ये वाक्य ज्ञान का भोजन है होता है एकम एवं परम वाक्य अगर अंत परम वो वाक्य जो है इसका भोजन नहीं है वो वाक्य दूसरे का भोजन है वो वाक्य उपासना का भोजन है अच्छा वो वाक्य अर्थ वाले वो कौन जानेगा जो तत्व को ठीक से समझ के करें चिंतन है। अब जय भगवान देखिए अलग अलग वादियों ने हमारे यहाँ पे जो वेदांत दयानंद सरस्वती और फिर प्रभुकार मीमांसा देखो वेद वाक्यों को सबने अलग 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 निर्णय किया। राधा कृष्ण का भी आपको मिलेगा इंडियन फिलोसफी अब देख रहा हूँ वहाँ पे सभी वादियों की जो है अपना अपना व्यू होता है। नेक्स्ट मुलाट एक प्रकार वेद को देखते हैं हमारा जो है इधर आया है हमारा दयानंद सरस्वती वो तो जो है कर्म ही दयानंद सरस्वती कर्म को लेकर के बोलते हैं उपनिषद भाग को कथा है वहाँ तो ज्ञान को नहीं मानते हैं उसको। और फिर जो हमारे प्रभाकर आदि जो प्रभाकर के थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है मैंने वो हमारे कुमारी भट्ट के शिष्य थे वो उपासना का भी लेकर के इस प्रकार से अलग अलग वादियों ने अलग अलग प्रकार से वेद की अर्थ करते हैं। एक ग्रंथ की अलग अलग अर्थ नहीं हो सकता तात्पर्य का अर्थ एक ही है तभी जाके वो एक धागा में बंधा हुआ अनेक अर्थ निकालना कोई मतलब गौरव नहीं है तो गौरव को सुन एक अर्थ प्रतिपादन कर सकते हैं तो लाघव है कल्पना में लाघव है और वो मर्यादित है ऐसा शास्त्रकार ने निर्णय किया। एक ग्रंथ को फल करके आपने बोलेंगे भगवद गीता में 18 अध्याय है तो 18 अध्याय के नाम भी अलग अलग हैं तो 18 अलग अलग विषय को प्रतिपादन करते हैं बल्कि ग्रंथ की तात्पर्य 18 अलग अलग विषय का है ग्रंथ की तात्पर्य अलग अलग 18 विषय के नहीं है ग्रंथ की तात्पर्य एक धागा में बात होगा बता रहा है जीव की दुख की निवृत्ति अत्यंतिक दुख निवृत्ति कैसे हो सकती वेद यही है वेद यही है जीव की अत्यंतिक दुख निवृत्ति कैसे हो। अब जीव की कैटेगरी में भिन्नता है कई बार बताए इस चीज को संसार में आपको 5 प्रकार के जीव दिखे एक हो गया पामर जीव क्या करते हैं खाओ पियो जियो मस्ती से धर्म से कोई संबंध है ठीक है। दूसरा क्या होता है इस प्रकार खाओ पियो जियो में जीवन बिताते बोले तो पता लग गया अरे फिर भी मेरा दुख क्यों नहीं छोड़ दुख से बच नहीं पाता तब वो जिज्ञासा होगी तब किसी शास्त्रीय वीर अथवा पंडित अथवा किसी के पास जाते हैं तो बोलते देखो भोग करना चाहते हो कोई बात नहीं पर इससे तुम्हारा पाप हो जाएगी तो मनमर्जी चलती तो शास्त्रों का अवलंबन करके भोग कर तुम्हारा पाप कम होगा तो शुभ के मतलब सही बोल रहे हैं शास्त्रों का अंदर तो वो क्या करते हैं धर्म के माध्यम से अर्थ कमा करते हैं धर्म अर्थ काम अवचार हो सकता है कि धर्म का अवलंबन करके अर्थ वर्जन करता है भोग को बोलते बोलना पर धर्म आचरण करते करते उसको एक समय आता है परीक्षा लोकान कर्म चित्रकान निर्वेद माया करे ये तो हमें शास्त्र स्वर्ग में गया शुभ होगा फिर भी आके तो क्या करें तब उसको कहते हैं इससे बचने को करते हैं तो पाम ये शास्त्र क्या किया पामर जीव को बुभुक्षु बनाए पामर जीव को बुभुक्षु बनाए कि बुभुक्षु को मुमुक्षु बनाए फिर बुभुक्षु को जीवन मुक्त बनाए
ये जीवन मुक्त में कुछ आधिकारिक पुरुष होते हैं। तो ये पांच प्रकार के जीव जो है समाज में नहीं होते, आधिकारिक आधिकारिक पुरुष जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते। एक आधिकारिक पुरुष एक आधिकारिक पुरुष को समझ सकते हैं कि देवी देवता के कुछ चीज के लिए देवी देवता के पद में बैठ कर के कठोपनिषद से पता हुआ और ब्रह्मसूत्र में देवी ने जावत अधिकार अधिकारी का नाम एक ही प्रणोदन का ही प्रति प्राप्त हो सकता है। जावत अधिकार अधिकारी का नाम ठीक है ना, ये महापुरुष का तुम समझ सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो व्यक्ति इस प्रकार से तो वेद माता के सुनती माता का अभिप्राय किसमें है, सबको जीवन जो जहाँ पे खड़ा है उसको वहाँ से शुरू करने की जरूरत है। तो जो व्यक्ति पामन है उसको भी जीवन मुक्त तक ले जाना है। जैसे पामन को मुमुक्षु बनाए, मुमुक्षु को मुमुक्षु बनाए, मुमुक्षु में जीवन मुक्ति, उसके बाद कोई अधिकारी हो सकता है कोई स्वामी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जब तक आप इस तत्व को नहीं समझ पाएंगे कि पारमार्थी आत्यंतिक सभी व्यक्ति का, मैं बोला लक्ष्य के एक ही अनित्य शांत शरीर प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं, नित्य निर्देश आनंद प्राप्ति प्रत्येक जीव की लक्षण दुख अत्यंतिक दुख निकले, तो उसके उपाय केवल मात्र तस्व करना पड़ता है, ना से धर्म आचरण प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करो, धार्मिक आचरण न फिर धार्मिक आचरण में जोड़ करके अपने स्वरूप स्थित हो जाए धर्म धर्म से करें तब जाने जीवन इसीलिए भगवान नक्षा। क्योंकि आप ध्यान में क्या बोला कि नहीं अनाध्यात्मविद नहीं अनाध्यात्मविद वेदार्थ तत्तम ज्ञातुम शक्नोति तत्तम नहीं करे, यानी कि जो व्यक्ति अध्यात्म आत्मा को नहीं जानता उस व्यक्ति ने जो वेद के अभिव्य तत्व को ठीक से नहीं समझ सकता। जिस व्यक्ति ने तत्व साक्षात्कार नहीं कि भाष्यकार किस पंक्ति पर लगे कि किस अभिप्राय से बोल रहे हैं समझ कि आप सभी व्यक्ति का तो एक ही है अभिप्राय क्या, मैं निर्दिष्ट आनंद को प्राप्त करूँ। तो जब तक आप उस तेज से नहीं देखेंगे तब तक आपको जो है वेद अभिप्रेत रखता पूरा वेद के तात्पर्य तो अजीतना सोना। अब देखिए बाजार में सब्जी की दुकान अधिक है, सोने की दुकान कितना है, सब्जी की दुकान बहुत है अथवा ग्रॉसरी चार दाल की दुकान, सोने की दुकान कितना होगा, एक दो होगा। तो क्या हो जाएगा कि सब्जी की सब्जी सस्ता है सोना महंगा है कि सोना सस्ता हो गया और सब्जी महंगा हो गया, क्या बोलेगा सोना महंगा है। किसी को कुछ के देखो तुमको गायबन चाहिए कि एक तोला चांदी चाहिए, क्या बोलेगा वो 80,000 मंत्र कर्म को प्रतिपादन करते हैं फल के साथ, यानी कि उसका ही मूल्यांकन है, 4,000 मंत्र बोला इसको उसका मूल्यांकन, ये बात नहीं है। किसी को हजारी अधिक कीमती है, किसी पूछ के देखो तो क्या चाहते हो, आनंद चाहते हो कि नहीं, हाँ हाँ अब तो तुम कितना झटका कर व्यवहारिक जीवन में नहीं हुआ इस चीज़, इसलिए इस पर अच्छी तरह समझने इसको किसी को इसके लिए नहीं बोल रहे, सभी का मांग यही है, सभी का मांग यही है। इसी तरह बोलते नहीं अनाध्यात्म भी वेदार्थ तत्तम ज्ञातुम शक्नोति शक्नोति तत्वतः। जब तक आप उस आत्मनिष्ठा नहीं आता तब तक वेद की संपूर्ण वेद की तात्पर्य किसमें है वो निकलना मुश्किल है। संपूर्ण वेद की तात्पर्य किसमें है, 80,000 मंत्र कर्मकांडों का प्रतिपादन का टारो फल सहित, तो क्या लगेगा कि श्रुति को यही कहना चाहता है कि तुम सकाम व्यक्ति बनो, क्या श्रुति यही लगता है। जो व्यक्ति जब तक उस निर्देश आनंद को प्राप्ति करने का रास्ता जब उसके सामने नहीं आएगा तब तक इतना ही लगता है श्रुति का कुछ मतलब बनाया हमको उसी पूर्ति में काम करना चाहिए। 80,000 मंत्र होते हैं, 16,000 मंत्र उपासना के लिए और मात्र 4,000 मंत्र होते हैं उपनिषद का, तो इसीलिए यह जो है मतलब मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। तो यही जो है इसी के प्रतिपाद वेद इसी को प्रतिपादन करते हैं, ऐसा कई व्यक्ति नाम हो परंतु पहले से जब आप देखेंगे विचार करेंगे तब आपको पता लगेगा, चाहे बाजार में देख चांदी तो सोना का दुकान कितना बिल्कुल महंगा हुई हो और वही लोग चाह रहे हैं, वही लोग चाह रहे हैं इसको पूछ के देखो ठीक इसी प्रकार किसको पूछ के देखो। सड़कों में जाओगे तो घूम के सुख घूमते घूमते वापस आना करोगे यही ना, और यदि इसको प्राप्त करोगे आत्मलोक में जाओगे तब तुमको आना जाना बंद हो जाएगा, नहीं पूछा क्या चाहते हो क्या बोलेगा व्यक्ति, स्वाभाविक रूप में ही बोलेगा, सभी व्यक्ति ही बोलेगा। मैं तो मजाक से बोलते मेरे मसला तीन दुनिया है तीन दुनिया चलो पूरा घूम के देंगे ऐसा आपको, एक अगर आप खा लोगे तो 10 साल तक आपको कोई बीमारी नहीं पकड़ेगा कोई दुख नहीं आएगा, दूसरा 20 साल तक, तीसरा 30 साल तक, कौन सा रोग
हमेशा शुद्ध रहना चाहते हो, बस 20 साल की बात नहीं है, अब वो इसलिए उम्र में अब वही हमारी प्रतिमा थी। जब तक वो हमारा नहीं समझ में आता है, चाह क्या नहीं लक्ष्य निश्चय करना भी मुश्किल हो जाता है। अनेक गुरु के पास जन्मांतरी संबंध पूर्ण संचालन में तब यथार्थ लक्ष्य निर्णय हो पाता है कि मैं चला गया रहा हूँ, चाह रहा हूँ तो भटक तो रहा हूँ। ये चीज जब निर्णय हो जाए मन से भगवान बातचीत एक शब्द नहीं अनाध्यात्म भी वेदार्थ तत्व वेद के अंदर जो विषय है उसके अंदर जो तत्व है ज्ञात सकते तत्पत ऊपर ऊपर समझ अलग बात है मतलब वेद के क्या तात्पर्य रहना है नहीं तो संपूर्ण वेद में कैसे क्या प्रतिबद्ध नहीं जान सकते। और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान भाषा बोलते हैं नहीं अनाध्यात्म विद कश्चित क्रिया फल उपासमते इति मानव वचन ये मनुस्मृति क्या है 6.682 क्या बोल रहे हैं नहीं अध्यात्म विद कश्चित क्रिया फल उपासमते अनाध्यात्म भी ठीक है ना जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया वो क्या है क्रिया की फल को प्राप्त नहीं कर सकता बोल रहे हैं अभी तो समझाएंगे बोल रहे हैं मैं देखो नहीं अनाध्यात्म भी जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जाना कश्चित कोई व्यक्ति कश्चित नहीं करता हो गया क्रिया फल उपासना वो कर्म के फल को ही प्राप्त नहीं कर पाया मनुस्मृति है मतलब क्या हो गया कर्म के फल सकाम जैसे तो भगवान बोला वहां पर कृपना फल है तब एक शब्द बोला भगवान श्री कृष्ण भगवदगीता द्वितीय अध्याय कृपना फल है तब जिस कर्म को करके जिसकी फल स्वरूप जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते थे तुम छोटा फल चाह करके कर्मों का अपने बंधन में डाल दे तुम कृपा नहीं दे जब इसको दूसरा शब्द से बोल रहे हैं मनुष्य बोले यहाँ पे क्रिया फल जो व्यक्ति आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पाया उसका कर्म देखा कैसा वो कर्म को कोई होता ही नहीं समझ पाया ऐसे मन में आपने बंधन में डालना है इसलिए प्रमाण से जो चीज प्राप्त हुआ उस चीज को समझ में नहीं आया होता है नहीं अनाध्यात्म विद कश्चित इसलिए तो सुधि बात को ना समझने के लिए इस भाष्य को समझने के लिए कि परंपरा का भी जीव लगे संगठित है जीवन क्या कैसे बोलना चाहिए यह फल संस्कृति अभी प्रकाश क्या है शास्त्र की तात्पर्य जो है कि कर्मों के माध्यम से अंतकरण शुद्धि करते तो ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ और वो व्यक्ति जो है उस सकाम कर्म करके अपने को बंधन में डाल तो क्या शास्त्र की तात्पर्य क्या समझ यही तो परेशानी अर्जुन के लिए हो रहा था मतलब हमारे जीव का रिप्रेशन के लिए वो सोच रहा है मेरे को पाप लगेगा भगवान बोल रहे थे लोग इसको करने से पूर्ण होता है मतलब निष्काम भव से करता मुक्ति की तरफ सकाम भव से करेगा तो पाप ही लगेगा इसीलिए आपने बोला समझ में आया कि नहीं अनाथम अभी कश्चित कोई भी व्यक्ति जब तक आत्मनिष्ठा नहीं आता तब तक उसका क्रिया फल का क्रिया कर्म किया उसका फल रोटी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया प्रमाण से जाना भर यदि मानव वचन किस प्रकार से मनुष्य होती है भाष्य से हमने पहले टीका में आते ठीक है ना टीका का क्या बोलते हैं ठीक है एक दो श्लोक जो है ना बड़ा विचित्र लगे जैसे नवमंथ है चाहते कि उठा पाते हैं श्लोक ऐसे दो श्लोक भी लगता है इसलिए इसका निष्कर्ष को अगला श्लोक में बोले 32 में आकर के मैंने इतना बोलने का क्या अभिप्राय रहा टीका में आ गई तभी प्राणादीनाम आत्मवत एवं तात्विकत्व प्राप्त है ना जब आप जो है क्या बोला यहाँ पे कि इस प्रकार से इसके पहले क्या बोला जब जब भावी लग जिसको जिस भाव में आपको दिखाया तो उस व्यक्ति उसी को पकड़ के रख करके तदनुकूल फल प्राप्त करते हैं बोला ना जब जब भावी दर्शयत जस तम भावम सच पश्यति तम च अवैध सभूता असोता ग्रह उपेत समुतम ये जो बोला वहाँ पे यानी कि वो व्यक्ति कुछ वस्तु को पकड़ करके अपने अभिष्ट मानसिक फल प्राप्त करते हैं हाँ तो वो तो आपका तुच्छ फल है वो पारमार्थिक फल नहीं है तो वो बोलते हैं जब हमने किसी पेड़ को पूजा कर लिया हमारे अभिष्ट वस्तु को अपने प्राप्त है वो पारमार्थिक तत्व होगा तो कहते हैं ऐसे उसको ले दिया सुनते तभी प्राणादीना आत्मबल एव प्राणादियों को भी आत्मा के समान तात्विकत्व प्राप्त हो भी तात्विक है पारमार्थिक है ऐसा शंका होने पर कल्पितानाम अधिष्ठान अतिरेक अतिरेकेन अवस्तुत्वा कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न कर उसका सत्ता ही नहीं होता अवस्तुत्वा नैव अंगील ऐसी बात नहीं है अधिष्ठान एकमात्र पारमार्थिक तत्व है और कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अभिन्न होकर के दिखाई दे रहा है इसलिए वो भी पारमार्थिक से प्रतीति होती है परमाती से प्रतीति होता है अधिष्ठान तो दिया था मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर यदि आप किसी
जैसे ही दिखे है कि आज की वजह मेहनत करके एक मेहनत रख दिया यहाँ पे की चुमा दिया। देखो बिना किसी से हम पक रहे देखो लगता है एक किलो लगा तो उसको और हुआ क्या उस मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इस प्रकार आत्मा की मैग्नेटिक फील्ड में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब उसी रूप में दिखाई दे मैं अस्तित्व आनंद इस रूप में दिखाई पड़ता है। परंतु जो तत्व तो जान दे हाथ के अंदर छुपा हुआ है वास्तविक तत्व हाथ के अंदर छुपा हुआ है ये जो जान लिया वो कितना भी लटका देगा उसको कोई फर्क नहीं उक्त ज्ञान स्तुत्यर्थम आह इस प्रकार जो है इस ज्ञान मतलब जिस ज्ञान से अनुभव मुक्ति होती है मतलब आत्मरूपी अधिष्ठान के ऊपर सारा कल्पित है मुझसे भिन्न करके संसार में कोई वस्तु नहीं है क्या अभिप्राय है। अब जरा देखिए श्रुति की छुपा हुआ अभिप्राय क्या है ये जब किसी वस्तु को डिमांड करते हैं मुझे चाहिए किस वस्तु को डिमांड करते हो हमें ये वस्तु चाहिए किस वस्तु का हम डिमांड करते हैं हमारे लिए उपयोगी हो और हमारे पास ना हो हमारे पास नहीं है और हमें लगता है कि हमारे लिए उपयोगी होगा किस प्रकार की वस्तु की हमारी मांग होती है नहीं जरा विचार करके दो। अब क्या बोलते हैं कि अरे तेरे से भिन्न करके संसार में कोई वस्तु है ही नहीं तो मांग किसकी करो परिच्छिन्न तो शरीर में दिखेगा जब आपके व्यापक तरफ कुछ समझे तब कुछ भी भिन्न नहीं है तो किसी को मांग जब हम मुझ में सब कुछ है इसी ना बोलते हैं कि उक्त ज्ञान स्तुति इस प्रकार की ज्ञान की स्तुति के लिए हम कहते हैं कहाँ भी होगा ये यहाँ तक सब ज्ञान स्तुति कौन सा ज्ञान एकदम सर्वम जलय आत्मा की मुख्य इस ज्ञान की स्तुति के लिए कहते उत्तर ज्ञान स्तुति एवं आत्म व्यतिरेक असत्यम है ना आत्मा से भिन्न कर किसी वस्तु में सत्ता सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार रज्जु से भिन्न करके रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्व का सत्ता कभी असिद्ध नहीं कर सकते ठीक इसी प्रकार से रज्जु सर्व पर आत्म ने कल्पिता नाम आत्मा के ऊपर कितना वस्तु है आत्मा नाम जब केवल उसको कल्पित केवल आत्मा केवल है निर्विकल्प केवल है असंभ है ना इस प्रकार से जो जानते हैं उसको बुटे के लिए बोलते हैं वो यहाँ पे एक एवं लिया ना ये मूल के बोल मूल में नारिकर श्लोक में जो है ना एते ही आखिर बाद में आया एवं दो लाइन में दो जो पंक्ति है उसको लेकर के हर्ष पहले आनंद जी वहाँ पे बोला अच्छा अब एते ही से यहाँ आप यहाँ से भी शुरू करें पूर्वार्थम व्याकरोति अब जो है श्लोक की पूर्वार्थ पहले जो दो प्रतीक है ये दोनों प्रतीक क्या हो गया श्लोक की प्रतीक श्लोक का और पूर्वार्थम व्याकरति जिसमें आयु भी जो पूर्वार्थ मतलब एते ही ऋष पृथक भावे पृथक एवं विलक्षित इसका अर्थ करते हैं। देखिए इसको समझ पूर्वार्थम व्याकरति श्लोक का पूर्वार्थम ये हो गया कुछ बोलता है कल्पितानाम अधिष्ठान अतिरेकेन सत्तस्फुरणयोर अभावात् हम करते हैं ठीक है ना कभी कल्पित वस्तु कल्पित वस्तु हो उस कल्पित वस्तु को अधिष्ठान से भिन्न करके ना उसका सत्ता होती है ना उसका स्फुरण होता है असत्य स्मृति किसकी है अधिष्ठान की और सर्वथा हमारे कपाल में बैठा हुआ है बुद्धि में बैठा हुआ परंतु वहाँ पर उसका सत्य स्मृति की प्रति नहीं होती इसलिए वे बोलते हैं कल्पितानाम अधिष्ठान अतिरेक न कल्पित वस्तु का अधिष्ठान को छोड़ करके सत्ता स्फूर्तोर अभाव स्फुरणयोर अभाव उसकी सत्ता और उसकी स्फुरन स्फुरन मतलब उसकी प्रतीति होती है सत्ता मतलब विद्यमानता और विद्यमानता की प्रतीति ठीक है सत्ता क्या हो गया विद्यमानता स्फुरण क्या हो गया उसकी प्रतिनिधि मतलब रज्जु के ऊपर सर्पट स्फुरण हुआ मतलब सर्पट विद्यमान हो गया है वहाँ पे रज्जु की सत्ता है रज्जु का स्फुरण हो रहा है मतलब हमारा मन जिसको भी रज्जु रूप में ग्रहण किया उसको सर्प रूप में ग्रहण किया इसलिए सत्ता स्फूर्ति अधिष्ठान का ही है इसलिए बोलते हैं कि आत्म व्यतिरेक प्राणादय न संति
उपस्थित यहाँ पे भी बोलते हैं कि कल्पिता नाम अधिष्ठान अतिरेक स्मरण अभव तद्वारे न आत्मनि भेद दर्शन अविवेकिनाम अस्तु तद अन्वेषण कथम उपलब्धि इति आशंक आह। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कल्पिता नाम अधिष्ठान अधिशत पूर्ण अभाव तद्वारे न आत्मनि उसको माध्यम बना करके आत्मा में वो लोग भेद देखते हैं भेद दर्शन नाम रूप उपाधि को अवलंबन लेकर के आत्मा में भेद देखने लगते हैं। कौन लोग अविवेकी मूढ़ भेद देखने लगते हैं तद्वारे न उसको देखो धारण एक नंबर टिप्पणी कल्पित प्राणादि द्वारे न हिरण्य गर्भ विराट वहाँ से लेकर के चतुर्दश भूमा में लोग लगी देवता जो भी है वो भेद किसमें देखते हैं एक अखंड निर्विकल्प आत्मा में सारा देखते हैं। इसलिए होते हैं सत्कर्ष पुनः तद्वारे न उस अधिष्ठान का माध्यम बना करके आत्मा ने भेद दर्शन आत्मा में भेद देखते हैं आत्मा तद्वार मतलब उपाधि को दरवाजा बना करके अभिन्न आत्मा में अखंड आत्मा में भेद देखने लगता है उपाधि को दरवाजा बना करके। जिस प्रकार देखो यहाँ पे तो खाली आकाश है आप दो घरा रख देंगे यहाँ पे ला करके आपको क्या लगेगा आकाश उस घर के तरह कुत्ता जो अविवेकी नहीं है उससे भिन्न विवेकी ना प्रथम उपलब्धि वो लोग जगत को किस दृष्टि से देखते हैं आशंक इसका शंका होने पर उत्तर देते हैं शंका होने पर उत्तर विवेकिनां तु रज्ज्वाम् इव कल्पिता सर्पादय न आत्मव्यतिरेकेण प्राणादय सन्ति इति अभिप्रायः। विवेकी व्यक्ति के लिए तो जैसे आप वो जानते हैं कि रज्जु सर्प रज्जु को से भिन्न होकर कभी भी नहीं रह सकता विवेकिनां तु रज्ज्वाम् इव जैसे रज्जु में कल्पिता सर्पादय कभी भी रज्जु से भिन्न नहीं है ठीक इसी प्रकार आत्मा के ऊपर कल्पित समस्त नाम आत्मा जगत आत्मा से भिन्न कभी भी नहीं है आत्मा से भिन्न कभी भी नहीं है। तो विवेकी नाम तो ये हो गया ना कि प्रणाम न शक्ति न आत्मव्यक्ति नहीं कि प्रणाम शक्ति अभिप्राय प्राणादि का भी प्राणादि नाम आत्मव्यक्ति नहीं कि ना असत्य प्रमाण मह प्राणादि आत्मा से आत्मा को छोड़ करके नहीं रह सकता इस विषय में प्राण क्या है हमारी बात को भी प्रमाण नहीं हो उसके आपको ये प्रामाणिक ग्रंथ आपका प्रमाण देना पड़ेगा किसी प्रमाण से जो प्रमाण सभी वादी मानते हैं जो बात जो प्रमाण सभी वादी मानते हैं आस्तिक दर्शन वाले वेद को प्रामाणिक मानते हैं आपको आपके सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको सुखी बात को देना इसलिए बोलते हैं कि प्राणादीना ये प्राणादि हिरण्य गर्भ से लेकर के चतुर्दश चींटी तक आत्मव्यतिरेकेण असत्य आत्मा से छोड़ करके उनका तो सत्ता सिद्ध ही नहीं होता इस विषय में प्रमाण क्या है तब बोलते सुखी बात को प्रमाण इदम सर्वम जदयम आत्मा जो भी कुछ इदम रूप में दिखाई दे रहा है वो आत्मा ही आत्मा से भिन्न करके नहीं है कुछ इसलिए इस प्रकार सुखी होने के कारण तो पहला अथवा हो गया अब उसका उत्तरार्थम जो है यदि श्लोक में आए हुए उत्तरार्थ अलग एवं जो विगत तेना कल्पय स्वाभिशंति उसको बोलते हैं एवं एक आत्मव्यतिरेकेन असत्यं रज्जु सर्प जिस प्रकार से आत्मा से भिन्न करके जगत में कोई भी वस्तु नहीं दिखाई दे सकता जैसा रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है भूचित्र माला जल धरा दंड आदि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो जो है आत्मा रज्जु के छोड़ कर नहीं रह सकता ठीक इसी प्रकार के कल्पित वस्तु को आत्मा सत्ता से आत्मसत्ता से भिन्न करे कभी सत्य से नहीं होता यहाँ पे भी कुछ है तत्व न जो वेद तत्व न तत्न आत्मवेदन उपाय सूचय तत्व से तत्तात्विक दृष्टि से आत्मा को ज्ञान कैसे होगा आपका है ना तत्न आत्मवेदन उपाय सूचयती मतलब आपको अपरक्षानुभूति के लिए कहाँ से आगे लेना पड़ेगा तत्न आत्मवेदन आत्म संबंधित ज्ञान के उपाय क्या है उपाय क्या है श्रुति युक्ति ठीक है ना ये सबक मानने की क्या चीज के लिए श्रुति बात को श्रवण करेंगे और फिर उसके बाद अपना केवल सुनने से नहीं होगा सुनने के बाद अपना बैठ करके विचार करके मन में निर्णय इसलिए बोलते हैं सुपिता युक्ति युक्ति मिला के देखिए बोलते हैं स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्याना मिथ्यत्व साधक दृश्यत्वादि हेतु अत्र युक्ति यदि उच्यते ठीक है ना युक्ति सुपे बात को ठीक है युक्ति क्या लगाएंगे यहाँ पे हम युक्ति यही लगाएंगे स्वात्मिक वस्तु पहले से बोल कर स्वात्मिक वस्तु सारा मिलता है
क्योंकि यथार्थ तो देश का दूसरा के प्रमाण के द्वारा पुष्ट नहीं होता, फिर उसके सौंदर्यता सिद्ध होता। यदि इसी युक्ति के द्वारा देखते हो तो इसी युक्ति यहाँ भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलता है, यथार्थ तो देश नहीं है, यहाँ पे केवल मात्र आत्मा ही है, पहाड़ नदी आदि सब दिखाई पड़ते हैं। इसे और काल भी हमको लगता है कि आप बोल रहे हैं तो अनेक समय दिखाई दे, थोड़ा सा दिखाई देना, थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ता है, फिर जो है इस प्रकार से दृश्यत्व रूपी हेतु मुख्य रूप से विमता मिथ्या दृश्यत्व सब प्रवृत्ति हमारे मुख्य अनुमान विमता मिथ्या दृश्यत्व दैव भाव जहाँ पे होगा वही भी आप प्रकाशित नहीं कर सकते, स्पष्ट नहीं होता, यही मिथ्या तो भी हेतु होते हैं। तो स्वप्न दृश्य व जागृत जागृत दृष्टाना मिथ्यात्व साधक दृश्यत्व आदि हेतु अर्थ दृश्यत्व जड़त्व परिच्छिन्नत्व विकारित्व आदि सब मिथ्यात्व भी हेतु है, ठीक है ना। क्या कहें तो देव पूरे ज्ञान दृश्यत्व जड़त्व परिच्छिन्नत्व विकारित्व तीनों वाले जो मिथ्या मिथ्या मतलब ये नहीं है कि वस्तु नहीं दिखेगा आपको, मिथ्या मतलब ये है जो परिच्छिन्न है जो विकारी है, ये अभिप्राय है। पर इसको नहीं समझ पाने के कारण लोग सोचते हैं वेदांत को उल्टा उल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम सारा व्यवहार करता है अभी बोलता है मिथ्या, वो नहीं समझता है कि मिथ्या भी व्यवहार होता है सत्य व्यवहार, ये नहीं समझता। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि स्वप्न दृश्य वे जुड़ते यथत्व विज्ञानवान, देखिए देखिए यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, यथत्व विज्ञानवान वेद किंकर न भवति। आज सुबह सोशल मीडिया पर से बोल रहे थे ना, और तब महापुरुष लोग जो बोलते हैं तो प्रमाण उसी को ही प्रमाणित करते हैं, वो आपको किसी भी प्रकार से सिद्ध हो गए। इसलिए जो इस प्रकार ज्ञान यथत्व विज्ञानवान मतलब इस प्रकार ज्ञान जिसका हो गया वो वेद का नौकर नहीं बनता, वेद किंकर न भवति, वो वेद का नौकर नहीं बनता। तद विपरीत उनका वाक्य कहाँ वेद में कहाँ गया वो हमको ढूंढना पड़ता, जिनको ऐसा कभी वो शास्त्र स्वरूप है वो शास्त्र से बाहर एक शब्द नहीं बोल सकते। हम लोग भाष्यकार अभी भी कितना चीज ऐसा पंक्ति लिख के गया जो हम लोग भूल रहे कहाँ से लिखा। इसी बोलते देखो कि यथत्व विज्ञानवान वेद किं करना भगवते, वेद का नौकर नहीं बनता, किंतु स जम वेदार्थम भूते स एव वेदार्थ भगवती, वो जो वेदार्थ को बोलता वही वेद का विपरीत बोलता। आज देखिए इसी से शुरू होता है उनकी बात, मैं जानता हूँ कि तो आज आ ही जाएगा हमारे पांच ये जो कपिल मुनि आदि जो उल्टा सीधा दर्शन देते जो पक्का नहीं है क्या होगा, हम दर्शन है हम उसको क्योंकि हम ये नहीं कहते हमारे विरोध किया, उनको वहाँ तक समझ में आया, उनको वहाँ तक समझ में आया, पुरुष को तो अलग माना असंग भी माना, परंतु क्या करते हम अनेक पुरुष मान लिया, प्रत्येक पुरुष को भी मान लिया, अगर विज्ञान मान जैसे श्री कृष्ण भी कुछ ऐसा बोल देते जो श्रुति से विरुद्ध है तो वो प्रमाणिक नहीं हो सकता, वो तो ठीक है पर तो बोलेंगे नहीं वो ऐसा, परंतु वो सब बोलेंगे नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि यदि आत्मतत्व को साक्षात्कार किसी व्यक्ति ने कर लिया, केवल यथत्व विज्ञानवान पहले बोला उसको, इस प्रकार के ज्ञान जिसको हो गया कि आत्मा से भिन्न करके कोई वस्तु को सत्ता स्फूर्ति हो ही नहीं सकता, वो व्यक्ति वेद का नौकर नहीं बनता, तब विपरीत वो जो कहता है वो कहीं ना कहीं सूत्र होगा। बोल रहे देखो ना ठीक यथत्व विज्ञानवान वेद किंकर न भवते, किंतु स जम वेदार्थम ब्रूते, वो वेद के अर्थ को जिस प्रकार से अर्थ करता है बोलते हैं सैव वेदार्थ भवती, वही वेद का विपरीत अर्थ होता है। ये भाष्यकार नहीं बोल रहे हैं, भाष्यकार बोलेंगे देखो अभी ऊपर इसी किसका अर्थ इदम एवं परम वाक्यम अदो अन्न परम ए, इसी का अर्थ कर रहे हैं, इसका अर्थ अभी आगे आएगा, देखिए ये वाक्य इसका बोधक है, ये वाक्य इसका बोधक है, ये भाष्यकार बोला ना, यानी कि जिस प्रकार वेद तत्ववेत्ता पूर्व इस बात को कर्मकांड पर रखा है, इस बात को उपासना पर रखा है, ऐसा करके बोलेगा वो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। उसको जो समझा रहे हैं उसी को अर्थ लिख रहे हैं, विभाग तो वेदार्थ व्याख्यानम अभिनयति, यदि विभाग पूर्वक वेद की अभिप्रेत अर्थ को व्याख्यान जो करते हैं उसको अभिनय करके दिखाते हैं, मतलब दिखा बोल के दिखाते हैं, एक्टिंग करके दिखाते हैं, क्या एक्टिंग करते, इदम एवं परम वाक्यम अदो अन्न परम,
इस वाक्य के तात्पर्य का तो अर्थ ऐसा है और इस वाक्य के तात्पर्य का तो ये है, ऐसा करके वो जैसा कहते हैं ऐसे, ये नहीं कि अपने मन पर जो कुछ बोल दे और वही सब को नहीं बोलना यहाँ पे। इस वाक्य के तात्पर्य किसमें है, इस वाक्य के अभिप्राय करते हैं किसमें, तात्पर्य लिंग में डाल करके इसलिए बोलते हैं आगे कि विभाग तो वेदार्थ व्याख्यान, विभाग पूर्वक वेद के अभिप्राय तत्व को व्याख्यान करना जो है ना उसको अभिनय करके दिखा दे भगवान महर्षि। क्या अभिनय करते हैं, इदम एवं परम अगले ज्ञान कांड साक्षात अद्वैत वस्तु परम, ज्ञान कांड साक्षात अद्वैत वस्तु का पूजन है ना, इसलिए बोलते हैं ज्ञान कर्म साक्षात डायरेक्टली अद्वैत वस्तु करो, और कर्म कर्म क्या है परंपरा से अद्वैत वस्तु पर। देखो भगवद गीता क्या बोलते हैं, एकम सांख्यम जय योगम के दपश्यति सपश्यति, जब सांख्य प्राप्त स्थान योगी अभिगमन एकम सांख्यम जय योग, यही तो बोला इस बात को इसके यहाँ पे योग की तात्पर्य ज्ञान की तात्पर्य दोनों मिलकर एक ही तात्पर्य है, तात्पर्य यही है कि वो मिलकर एक ही बोलते हैं। देखिए आप ज्ञान कांड साक्षात वेद अद्वैत वस्तु करो, ज्ञान कांड किसका बोधक होता है, अभेद की बोधक होता है, सीधा सीधा अभेद का बोधक होता है। कर्म कांड तो साध्य साधन संबंध बोधन द्वारा परंपराया तस्मिन पर्यवसन, देखिए ये कर्म कांड का पर्यवसन भी ज्ञान कांड में है परंपरा से, और किसे साध्य साधन को बोध कराते हुए दो प्रकार के मैं बोला, बुभुक्षु जीव को पामर जीव को बुभुक्षु बनाने के लिए क्या कहते हैं, तुम ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, उसके माध्यम बना करके फिर कहते हैं कि ये करो परंतु ये मिलने का सा छोड़ो, पहले तो आपको फंसाएंगे, तुम इधर आ जाओ तुमको ये मिलेगा ये मिलेगा वो मिलेगा, फिर बाद में बोला कुछ नहीं मिलेगा सदन कर तो पता लगेगा क्यों तुमको पहले बनाए। किसी से कोई बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने के लिए इस बच्चे को स्कूल भेजने के लिए माँ बाप क्या करते हैं, पहले टिफिन देते हैं, बिस्कुट देते हैं, लॉजन देते हैं कि स्कूल जाएगा बच्चा, पर बिस्कुट को बिस्कुट लॉजन बिस्कुट खिलाना था जो है वो जानते हैं कि बंद खराब पड़ेगा, फिर तो फिर भी स्कूल बनी, फिर बाद में क्या था वो बंद कर देता है बच्चे, जब अभी जूनियर हो जाते स्कूल जाने के लिए तब वो बंद हो जाते, ऐसे ही कर्मकांड साक्षात अद्वैत वस्तु पर ज्ञान कांड साध्य साधन संबंध बोधन द्वारा परंपरा तस्मिन पर्यवसित, इसलिए अनुरोध है सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपं सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्ति ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ग्रहीमि ओम इत्येतत् कठिन श्लोक संकट में भी है गीता में भी है कठोपन शब्द है आत्मविदो वेदार्थ विदितम उक्तम जनक, जो आत्मवेदता पुरुष वेद के तात्पर्य को समझते हैं इसको अभी व्याख्या करके कहते हैं है ना, आत्मविद पुरुष वेदार्थ विदितम वो वेद इस वेद कभी अपने तत्व को जानते हैं जो कहा उसको अभी व्याख्यान करते हैं व्यक्ति नहीं अनर्थात्मविद वेदार्थ तत्व ज्ञान तुम सकनोगी तत्पथम, देखिए वेद के अर्थ तो नहीं जान सकते ये नहीं बोल रहे तत्व को नहीं जान सकते, जो है सर्वे वेदा जत पद मामन अष्टम अध्याय आठ में भगवत आत्मविद वेदार्थ वेदता मुक्त मेरा आत्मवेदता पुरुष वेदार्थ वेद के तत्व को तात्विक जिसे जानते हैं उसके व्याख्या करते हैं नहीं, तदेव ही वेदार्थ तत्व जब प्रत्येक आत्मस्वरूप ये वेद का अभिप्रेय तत्व क्या है, जो प्रत्येक आत्मसभी हमारा स्वरूप भूतान से भिन्न प्रत्यक्ष अध्यात्म विद वैश्वी और अध्यात्म को जानने वाला व्यक्ति ही यथात्मेन तत्व ज्ञान भवति यथार्थ रूप में तत्व ज्ञान के लिए समर्थ बन जाता है, तो उसके लिए अभी योग्य बन जाती है। अच्छे वाला अपनी पंक्ति को बोल करके श्रीमान को तो मैंने भी कहा आत्म ये दे दिया और ये भी बोल दिया श्रीमान को बोलते स्मृति भी देव कैसा मन स्मृति बोलते बोलता है उक्ति अर्थ स्मृति उदाहरण इसी विषय में स्मृति को भी बोलती है नहीं अध्यात्मविद कश्चित क्रिया फल उपासनता इति मानव वचन देखता क्या है इसका उससे देख लेंगे क्रिया शब्द ना प्रमाण उच्चते क्रिया शब्द के द्वारा क्या मैं तो क्रिया शब्द का तो अपनी तरफ से समय बोला आने के जो क्रिया शब्द के द्वारा क्या कहना है प्रमाण प्रमाण का जो फल होता है वो उन लोग प्राप्त नहीं कर पाते जब तक आप अध्यात्म तत्व में नहीं प्रवेश करते प्रमाण से जाना हुआ वस्तु जो प्रमेय उत्पन्न करता है वो प्रमेय उत्पन्न नहीं करता है क्यों क्यों नहीं उत्पन्न करता है क्योंकि आपको भूत दूषण है ज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाता शब्द क्रिया प्रयोग क्रिया शब्द ना प्रमाण उच्चते प्रमाण से क्या उत्पन्न होता है प्रमेय प्रमाता में प्रमेय प्रमेय उत्पन्न होता है
मतलब क्रिया शब्द है, यहाँ पे क्रिया शब्द कथा को बोलने को ये जो है इस प्रकार क्रम क्रिया यहाँ पे क्या बोला क्रिया फलम उपासनते न अहंसा में क्रिया फल को प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब प्रमाण से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान उसका जो फल है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। कौन अनाध्यात्म जब तक नहीं है अपने आप ही बोले तत्फल तत्व ज्ञान प्रमाण का फल क्या है तत्व अग्निहोत्रादि क्रियायस्य बुद्धि शुद्धि द्वारा अग्निहोत्रादि क्रिया के माध्यम से अंतःकरण शुद्ध करके तस्मिन् पर्यवसित होते हैं। जब तक हमारे अंदर ये आत्मज्ञान मुमुक्षु तो नहीं आएगा ना तब तक हमारा वेद की अभिप्राय हम क्या सोचेंगे वेद तो हम कर्म करने उपासना करने के लिए बोल रहे हैं तो हम उसी को करेंगे, हमारे उपनिषद बात को निष्ठा नहीं। ये देखो अभी हमको भगवद गीता में देखें मनुष्य क्या सोचते हैं निष्ठा तो क्या एक जगह मान लीजिए आपने खेत पूरा साफ कर दिया, खेत पूरा साफ करने के बाद बरसात के समय वहाँ से फिर भी क्या निकाला था पेड़ पौधा निकाला था कुछ वांछित होगा कुछ अवांछित होगा, इससे क्या सिद्ध होता है जो मैंने काटा था उसका बीज वहाँ पे रह गया तभी जाकर के वर्षा की पानी मिलती है वहाँ से फिर निकला इसी प्रकार इसी प्रकार ये आपने जो है ये उपनिषद सुनते अथवा कर्म कांड सुनते आप उपनिषद सुनते समय यदि आपको पूर्वपक्ष वाक्य में अधिक रुचि लगता है यानी कि आपके अंदर वो बीज बैठा हुआ तो अधिक वेदांत वाक्य में आपको रुचि लगता है यानी कि आपके अंदर वो बीज बैठा हुआ प्रजन नहीं हुआ निर्मित समाधि के लिए निर्मित समाधि के लिए ये स्थिति होता है मतलब लिंग देख करके आप समझ जाएंगे अधिकारी इसके लिए ठीक इसी प्रकार यहाँ पे बोलते रहता है इन्हें कई चीज पढ़ने से एक साथ दिमाग पर रहने से आपको इतना स्पष्ट जो तक आपको हमारे अंदर आत्मनिष्ठा नहीं आता आत्मज्ञान तब तक हमारा वेद की अभिप्रेत समझना नहीं समझा ठीक है कल सोलह सत्रह पूर्णिमा प्रतिपदा है ऐसे बन जाए और अठारह चार दिन का 19 तारीख आज शाम को गीता होगा। हाँ अच्छा वो ज्योतिष महाराज कह रहे थे कि आपको कहीं जाना है संन्यास दीक्षा किसी के ना वो तो मैं नहीं जाऊँगा हमारा जो पूरे क्या विषय चल रहा है आज के रूप से ना तो कल कल परसों दसों अठहत्तर सौ पंद्रह सोलह सत्रह अठारह में सोलह सत्रह तो अपने आप ही छूट गया पूर्णिमा प्रतिपदा लेकिन भगवान को सोचने के लिए रास्ता कितना खोल दिया आज कहाँ जब पहला सुन बोला लास्ट का अजम विविध विषय धर्म ग्राही मुक्ते पूर्णस्य पूर्णमिदं।